नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने ट्विटर की कमान संभाल ली है। एलन मस्क को ट्विटर की डील पूरी करने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया गया था। इसके साथ ही मस्क ने कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल समेत चार टॉप अफसरों को कंपनी से बाहर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पराग अग्रवाल ट्विटर से खाली हाथ नहीं जाएंगे, उनके हाथ एक अच्छी खासी रकम भी आने वाली है। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर के सीईओ पद से हटाए जाने या फिर उन्हें कंपनी से निकाले जाने पर हर्जाने के रूप में बड़ी रकम मिलने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट की माने तो कंपनी की ओर से पराग अग्रवाल को $42 मिलियन यानी कि 345 करोड़ रुपए से भी अधिक की रकम मिल सकती है। रिसर्च फर्म इक्विलर ने कुछ महीने पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अगर पराग अग्रवाल को ट्विटर के सीईओ पद से 12 महीने के अंदर हटाया जाता है तो उन्हें उनकी बेसिक सैलरी और इक्विटी अवार्ड्स को मिलाकर बड़ी रकम अदा की जा सकती है। पराग अग्रवाल की महीने की सैलरी करीब 9.24 करोड़ रुपए है। पराग को पिछले साल नवंबर में कंपनी के सह संस्थापक जैक डोर्सी के इस्तीफे के बाद ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया था। आईआईटी बॉम्बे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके अग्रवाल ने एक दशक से अधिक समय पहले ट्विटर में नौकरी शुरू की थी, लेकिन ट्विटर में एलन मस्क के हस्तक्षेप के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि पराग अग्रवाल अपनी नौकरी को जारी नहीं रखना चाहते। वहीं मस्क ने भी कहा था कि वो ट्विटर के मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं रखते हैं। मस्क और पराग का विवाद भी किसी से छुपा नहीं है। ट्विटर डील के वक्त मस्क ने अपने फॉलोअर से पूछा था कि क्या ट्विटर खत्म हो रहा है। इस पर पराग अग्रवाल और एलन मस्क के बीच मैसेज के जरिए तल्खियां भी देखी गई। 9 अप्रैल को पराग अग्रवाल ने लिखा था कि आप ये लिखने के लिए स्वतंत्र हैं कि क्या ट्विटर खत्म हो रहा है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे कहूं कि मौजूदा समय में ट्विटर को बेहतर बनाने में मुझे परेशानी हो रही है। इस पर क्या राय है आपकी, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।